सो हेलो एंड वेलकम गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का लीगल पीडिया की ब्रांड न्यू वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन एग्रीकल्चरल कमेटी एग्रीकल्चर नेगोसिएशन कॉटन एंड फूड सिक्योरिटी हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है बैकग्राउंड क्या है ट्रेड और मार्केट ऑफ फूड एंड फार्म्स रिलेटेड गुड्स वो हम सभी से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है क्योंकि जो फार्म गुड्स होते हैं हम चाहे तो उसे कंज्यूमर बन के यूज करते हैं या उसे प्रोड्यूस करते हैं या फिर बायर या सेलर की तरह एक्ट करते हैं तो जो ट्रेड है मार्केट्स में फ़ूड और फार्म रिलेटेड गुड्स का वो हम सबसे जुड़ा हुआ है अब क्या होता है गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना देती है जो कि चाहे तो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है वर्ल्ड ट्रेड को या फिर दूसरों के देशों की मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एक साथ आए और उन्होंने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किया जो 1995 में फोर्स में आया दिस इनिशियेटिव रिडक्शन इन सब्सिडीज एंड ट्रेड बैरियर्स टू मेक मार्केट फेयर एंड मोर कॉम्पिटेटिव इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मार्केट्स में ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशन हो ताकि प्राइस कम हो सके गुड्स का और मार्केट्स फेयर कॉम्पिटिशन का सामना करे और ट्रेड बैरियर्स कम से कम हो इट प्रोवाइडेड फॉर मेंबर्स टू कंटिन्यू नेगोशिएशंस फॉर फर्दर रिफॉर्म और भी नेगोशिएशंस होते रहे लगातार और 2015 में एक ऐतिहासिक नेगोशिएशन हुआ जिसमें कार्य की एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पे सब्सिडीज को बैन कर दिया गया और बहुत सारे नए रूल्स बनाए गए फार्म एक्सपोर्ट सब्सिडीज को लेकर द डब्ल्यू टी ओ एग्रीकल्चर कमेटी ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीमेंट एंड प्रोवाइडर्स टू एड्रेस रिलेटेड कंसर्न एग्रीकल्चर कमेटी का काम होता है कि एग्रीमेंट जो है इम्प्लीमेंट हो रहा हो पूरे वर्ल्ड में और जो भी उसके मेंबर्स हैं उनके जितने भी कंसर्न उसको देखना ये सब एग्रीकल्चर कमेटी का जो काम है अब हमारा अगला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर एग्रीमेंट जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द लॉन्ग टर्म रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज इसका मेन एम क्या है कि लीडिंग टू अ फेयरर एंड अ लेस डिस्टॉर्टेड सेक्टर इस एग्रीमेंट में तीन चीजें कवर करी गई हैं नंबर वन मार्केट एक्सेस द यूज ऑफ ट्रेड सच एज टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स नंबर टू डोमेस्टिक सपोर्ट द यूज ऑफ सब्सिडीज एंड अदर सपोर्ट प्रोग्राम्स दैट डायरेक्टली स्टिमुलेट प्रोडक्शन एंड डिस्टॉट ट्रेड नंबर थ्री एक्सपोर्ट कॉम्पिटिशन द यूज ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड अदर गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स दैट सब्सिडाइज एक्सपोर्ट्स इन तीन इन तीनों चीज़ों में जो भी चीजें मैंशन करी गई जैसे ट्रेड टैरिफ्स ऑन टेरिम्पोर्ट ये सब सब्सिडीज एक्सपोर्ट सब्सिडीज इन सबको किस टाइम पर कितना

या फिर जितना टैरिफ कितना लगाना है ये सब चीज़ों पे एग्री होता है सारा कमिटमेंट दी जाती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के द्वारा इस एग्रीमेंट के अंदर उसमें ये बताया जाता है कि भाई इतना ही तुम टैरिफ लगा सकते हो इस प्रोडक्ट पे इतना ही तुम एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो ये सब चीज़ें मैंशन होती हैं हमारा अगला टॉपिक आता है एग्रीकल्चर कमेटी कमेटी ऑन एग्रीकल्चर का मेन काम क्या होता है कि एग्रीकल्चर एग्रीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और एक वो फोरम प्रोवाइड करता है मेम्बर्स के लिए ताकि वो अपनी क्वायरीज रेज कर सकें या क्वेश्चन रेज कर सकें या अपने कंसर्न बता सकें इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर कमेटी टू मॉनिटर हाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स आर कम्प्लाइंग विद देयर कमिटमेंट्स द कमेटी मेड अप ऑफ ऑल डब्ल्यू टी ओ मेम्बर्स यूजली मीट्स थ्री और फोर टाइम्स अ ईयर एक साल में तीन से चार बार वो मिलते हैं मेंबर्स अपने बारे में शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने कंसर्नस रेज कर सकते हैं एक दूसरे की एग्रीकल्चर पॉलिसीज के रिगार्डिंग इसके साथ साथ एक ओरिजिनल मैंडेट भी होता है इस कमेटी का कि जो इसको एक और टास्क दिया जाता है कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की उसमें जो डिसीजन लिए गए हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करना और फिर मॉनिटर करना ये भी एग्रीकल्चर कमेटी का ही काम होता है अगला हमारा टॉपिक आता है एग्रीकल्चर नेगोशिएशंस। एक बार एग्रीकल्चर एग्रीमेंट बन गया इसका मतलब ये नहीं कि वो फुल एंड फाइनल एग्रीमेंट हो गया है टाइम टू टाइम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन के मेंबर्स जो हैं मीटिंग करते रहते हैं और एग्रीकल्चर निगोसिएशन करते रहते हैं इसमें क्या होता है जैसे एक लॉ एक बार बना लेते हैं उसको टाइम टू टाइम अमेंड किया जाता है टाइम की ज़रूरतों के हिसाब से ऐसे ही एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में भी निगोशिएशन की जाती है टाइम टू टाइम की ज़रूरतों के हिसाब से लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ था एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में वो दो की डब्ल्यू टी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हुआ था जो नायरो केन्या में हुई थी इसमें यह कहा गया था कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को हटा दिया जाएगा एबॉलिश कर दिया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे और अलग डिसीजन भी लिए गए थे पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी परपजेज़ के लिए और स्पेशल सेफ गार्ड मैकेानिज्म फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑन ट्रेड रूल्स फॉर कॉटन और 2013 की डब्ल्यू टी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में जो बाली इंडोनेशिया में हुई थी उसमें भी बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिसीजन लिए गए थे अगला हमारा टॉपिक आता है कॉटन कॉटन इज डिस्कस्ड एट द डब्ल्यू टी ओ ऑन टू ट्रैक्स इसे दो चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है नंबर वन द ट्रेड रिफॉर्म्स नीडिड टू एड्रेस सब्सिडीज एंड हाई ट्रेड बैरियर्स फॉर कॉटन इसमें क्या है कि जो हाई ट्रेड बैरियर्स होते हैं पे और सब्सिडीज़ है उसके रिगार्डिंग और दूसरा असटेंस प्रोवाइडेड टू द काटन सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में जो सरकार अपनी तरफ से हेल्प देती है कॉटन सेक्टर को उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है डब्ल्यू टी ओ में कॉटन का फैक्टर कॉटन के रिगार्डिंग जितने भी ट्रेड एस्पेक्ट्स हैं उनको कमेटी ऑन एग्रीकल्चर देखती है अपने स्पेशल सेशंस में थ्रू डेडिकेटेड डिस्कशंस ऑन ट्रेड इन कॉटन जो इसमें क्या है कि कॉटन का रिगार्डिंग इतनी बार डिस्कशन हो चुका है और लगातार ये मेन मुद्दा बना हुआ है इसी सबसे पहले 2003 में फोर अफ्रीकन कंट्रीज ने टेबल में प्रेजेंट किया था जो है बेनिन बुरकीना फैसो चैड एंड माली ये जिन इन कंट्रीज को बोला जाता है कॉटन फोर कंट्रीज या फिर सी फोर कंट्रीज आज की हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है फूड सिक्योरिटी डब्ल्यू टी ओ अग्रीमेंट और एग्रीकल्चर हमेशा से ये बात करता है कि फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है जो डब्ल्यू टी ओ ने अपनी कमिटमेंट्स में भी शो किया है जो आज तक की गई हैं और जो चल रही नेगोशिएशंस में भी दिखाया गया है वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो हमेशा से हाईलाइट करते आए हैं कि फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इम्प्रूविंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन कमिटमेंट्स दे हैव मेड अंडर एजेंडा 2030 और पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू इस गोल के अंडर लीडर्स ने कमिटमेंट दी है टू करेक्ट एंड प्रिवेंट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्ट्रॉशंस इन वर्ल्ड एग्रीकल्चरल मार्केट्स और दो में ऐतिहासिक डिसीजन लेके उन्होंने साबित भी कर दिया है ट्रेड कैन इम्प्रूव फूड अवेबलिटी वेयर इट इज कार्स जहाँ पे फूड की कमी है वो सही कर सकता है ट्रेड और जहाँ पे आ, फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से मतलब एक फ्लो बना सकता है दूसरी तरफ और इम्प्रूव कर सकता है एक्सेस टू फूड बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड रेजिंग इनकम्स ट्रेड बैरियर्स हटने से फूड सिक्योरिटी में स्टेबिलिटी भी आएगी जो एक की कॉम्पोनेंट है फूड सिक्योरिटी का तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं गए जल्दी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड बाय